हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग 10 वर्कैब्स को कवर करेंगे और याद करेंगे निमोनिक ट्रिक के माध्यम से। निमोनिक ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिसमें याद किए जाने वाले वर्ड को किसी ऐसे वर्ड के साथ लिंक किया जाता है जो आपके दिमाग में पहले से ही स्टोर होते हैं। निमोनिक ट्रिक के माध्यम से वर्ड्स को काफ़ी आसानी से और लंबे समय के लिए याद किया जा सकता है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें क्योंकि हम लोग लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे और चेक करेंगे हमें कितना याद रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड है इंसेप्शन, जो कि एक नाउन है और इसका मतलब है बिगनिंग या शुरुआत में, और इसको हम लोग रिलेट करेंगे रिसेप्शन से, बिकॉज इंसेप्शन साउंड्स लाइक रिसेप्शन। और आपने एक बात नोटिस किया होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज का जो रिसेप्शन होता है वो इंसेप्शन में होता है। रिसेप्शन कहाँ होता है? इंसेप्शन में, यानी कि बिगनिंग में या शुरुआत में। आपको इंसेप्शन को प्रोनाउंस करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इसका मतलब आना चाहिए। जैसे मैंने बोला अभी रिसेप्शन, तो रिसेप्शन कहाँ होता है? इंसेप्शन में, यानी कि बिगनिंग में, शुरुआत में। आपके दिमाग में इसका मीनिंग आना चाहिए, बिगनिंग या शुरुआत। ठीक है, रिसेप्शन इंसेप्शन में होता है, यानी कि बिगनिंग में होता है, शुरुआत में होता है। सिनोनिम्स की बात करूँ तो बिगनिंग, ओरिजिन और कमेंसमेंट। एंटोनिम्स कंक्लूजन, डेस्टिनेशन और एंड। लेते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है सोल, और इसका मतलब है वनली, एकमात्र या अकेला। और इसको हम लोग रिलेट करेंगे शोले मूवी से। शोले मूवी एक ऐसी मूवी थी जिसने सभी को प्रभावित किया था, तो शोले मूवी सोल मूवी थी। शोले मूवी सोल मूवी थी, यानी कि एकमात्र या अकेली मूवी थी। शोले मूवी सोल मूवी थी, यानी कि एकमात्र या अकेली ऐसी मूवी थी जिसने सभी को प्रभावित किया था। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको बाद में कवर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज पलेसल, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मैग्निफिसेंट या शानदार, और इसको हम लोग रिलेट करेंगे पलट से। जब हम कोई चीज़ देखते हैं और वो काफ़ी पलेसल हो, यानी कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं और वो काफ़ी पलेसल हो, यानी कि मैग्निफिसेंट हो, शानदार हो, तो हम लोग उसको पलट के बार बार देखते हैं। जब हम कोई चीज़ देखते हैं और वो पलेसल हो, यानी कि मैग्निफिसेंट हो, शानदार हो, तो हम लोग उसको पलट के बार बार देखते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स हैं इम्पोजिंग, स्प्लेंडिड, गॉर्जियस, मैजेस्टिक और ग्रैंड। एंटोनिम्स में अनइम्प्रेसिव, कॉमन, सिंपल, प्लेन। और इसका एक यूज देखते हैं सेंटेंस में। द ताजमहल होटल विच वॉज बिल्ट बाय द टाटा फैमिली इन 1904 इज द मोस्ट पलेसल एंड मॉडर्न होटल इन इंडिया। जो आपका ताजमहल होटल है, विच वॉज बिल्ट बाय द टाटा फैमिली, जो कि बनाया गया था टाटा फैमिली के द्वारा 1904 में, इज द मोस्ट पलेसल एंड मॉडर्न होटल, जो कि काफ़ी मैग्निफिसेंट कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं, और आधुनिक होटल है भारत में। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आपका साइनिंग, सॉरी सिंटिलेटिंग, और इसका मतलब है साइनिंग, टिमटिमाता हुआ, साइनिंग टिमटिमाता हुआ। हम लोगों का अगला वर्ड है सिंटिलेटिंग, और इसका मतलब है साइनिंग टिमटिमाता हुआ। तो सिंटिलेटिंग कहीं ना कहीं साउंड्स लाइक स्किन, तिल प्लस आंट। तो इसके लिए निमोनिक हम लोग यूज करेंगे, उस आंटी की त्वचा पर तिल है जो कि दूर से ही टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। और सिनोनिम्स में है सिंटिलेटिंग, क्रेस्केंट और ग्लिटिंग, स्पार्कलिंग। एंटोनिम्स डल। अगला शब्द है फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी जो कि एक नाउन और इसका मतलब है यूजलेस, बेकार, और इसको हम लोग रिलेट करेंगे फूटी से। अगर हम कोई चीज़ मार्केट से लाते हैं, अगर हम कोई चीज़ मार्केट से लाते हैं और वो फूटी हुई निकल जाए तो बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं फूटी हुई चीज़ें फ्यूटिलिटी होती हैं, फूटी हुई चीज़ें फ्यूटिलिटी होती हैं, यानी कि यूजलेस होती हैं, बेकार होती हैं। फूटी हुई चीज़ें फ्यूटिलिटी होती हैं, यूजलेस होती हैं, बेकार होती हैं। तो इस तरह से याद किया जा सकता है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप एक नज़र से देख लीजिए, क्योंकि ये बाद में भी कवर किया जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगर, जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब है फाल्टर, लड़खड़ाना। और इसके लिए कीवर्ड है रॉयल स्टैग। रॉयल स्टैग पीने के बाद आदमी लड़खड़ाकर ही चलता है,
रॉयल स्टैग पीने के बाद आदमी लड़खड़ाकर ही चलता है। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है इनसेंस्ड। इनसेंस्ड जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है क्रुद्ध या गुस्सा, एग्जास्परेटेड, वेरी एंग्री, इनरेज्ड। और इसको इस कीवर्ड से याद करेंगे, इनसंसद, इनसेंस्ड, इनसंसद। संसद में जब सांसद फालतू में समय वेस्ट करते हैं तो जनता उन पर गुस्सा ही करती है। संसद में जब सांसद फालतू में समय वेस्ट करते हैं तो जनता उन पर क्या करती है, गुस्सा करती है और इनसेंस्ड हो जाती है। इनसेंस्ड हो जाती है, क्रोध हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, इनसेंस्ड। इसको हम लोग इन संसद से रिलेट किया था, तो इनसेंस्ड हो जाती है। क्यों इनसेंस्ड हो जाती है, जब सांसद लोग संसद में फालतू में समय वेस्ट करते हैं तो जनता क्या हो जाती है, इनसेंस्ड हो जाती है, क्रोध हो जाती है या गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज ओबीस। ओबीस जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है वेरी फैट, बहुत मोटा या स्थूलकाय कह सकते हैं। और इसको हम लोग याद करेंगे ओ भैंसे से। मोटे आदमी को हम मजाक में ओ भैंसे इधर आ ऐसे ही तो बोलते हैं, तो इस तरह से यह याद किया जा सकता है। सिनोनिम्स में है कॉर्पुलेंट, फैट, स्टाउट। यूजेज है इसका मेनी अमेरिकन्स आर ओबीस। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंजर। ग्रैंजर जो कि एक नाउन है और इसका मतलब है मैग्निफिसेंट या शानदार। ग्रैंजर एक नाउन है और इसका मतलब है मैग्निफिसेंट या शानदार। और इसके लिए कीवर्ड है ग्रैंड मस्ती मूवी। और निमोनिक देखते हैं, ग्रैंड मस्ती मूवी जो कि शानदार ही तो है। ग्रैंड मस्ती मूवी वो क्या है, ग्रैंजर है, यानी कि मैग्निफिसेंट है, शानदार है। ग्रैंड मस्ती मूवी ग्रैंजर है, यानी कि मैग्निफिसेंट है, शानदार है। सिनोनिम्स की बात करें तो मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंस। और एंटोनिम्स में है डलनेस, इनसिग्निफिकेंस। अगला और लास्ट वर्ड है अब्रिज, जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब है शॉर्टन, छोटा करना। लास्ट वर्ड है अब्रिज जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब है शॉर्टन, छोटा करना। और इसको हम लोग रिलेट करेंगे ब्रिज से। अब्रिज, ब्रिज, ब्रिज से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। ब्रिज जो होता है वो डिस्टेंस को अब्रिज कर देता है। ब्रिज जो होता है वो डिस्टेंस को, दूरी को अब्रिज कर देता है, यानी कि शॉर्टन कर देता है, छोटा कर देता है। ब्रिज क्या करता है, डिस्टेंस को अब्रिज करता है, शॉर्टन करता है, छोटा करता है। तो इस तरह से इसको। नाउ टेस्ट योर मेमोरी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हम लोगों को कितना याद रहा। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है ग्रैंजर, और इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है यूजलेस, सेकंड है वेरी फैट, थर्ड है एंशिएंट और फोर्थ है मैग्निफिसेंट। इसमें से आपको अपना सही उत्तर सेलेक्ट करना है। ग्रैंजर इसको हमने रिलेट किया था ग्रैंड मस्ती मूवी से, और हमने आपको बताया था ग्रैंड मस्ती मूवी है वो कैसी है, ग्रैंजर है, यानी कि मैग्निफिसेंट है, शानदार है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फोर्थ मैग्निफिसेंट सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है अब्रिज जो कि एक वर्ब है, और इसका सही उत्तर होगा, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट है वेरी फैट, सेकेंड है वेरी एंग्री, थर्ड है शॉर्टन और फोर्थ है बिगनिंग। तो अब्रिज को हम लोगों ने रिलेट किया था ब्रिज से। अब्रिज को हम लोगों ने रिलेट किया था ब्रिज से। ब्रिज है वो डिस्टेंस को अब्रिज कर देता है। ब्रिज डिस्टेंस या दूरी को अब्रिज करता है, यानी कि शॉर्टन करता है या छोटा करता है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शॉर्टन करना, यानी कि छोटा करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न